तो हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को कांजीपानी घाट का एक ब्लॉग बनाना चाहता हूं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। आप लोगों को मैं बोला था जब संबलपुर से क्योंझर आया था, आप लोगों को कांजीपानी घाट दिखाएंगे, समझ रहे हो। और कांजीपानी घाट 15 किलोमीटर भाई, 15 किलोमीटर अपना कैमरा को ऑन करके रखना पड़ेगा। और आप लोगों को टोटली 15 किलोमीटर का रोड टर्निंग पॉइंट से लेकर टर्निंग पॉइंट में, हर टर्निंग पॉइंट में भी सीन भी कैसा है दिखता है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलो, ये घाट अभी से स्टार्ट हो गया। बॉय बहुत बड़ा घाट है, 15 किलोमीटर माना रखता है भाई। प्यारी समझ गई। वाओ, क्या मजा लगने वाला रोड है भाई। अभी मजा आएगा ना। घाट देखो भाई, घाट के साइड में भी एक गांव है, लेकिन कोहरा देखो भाई, कोहरा कोहरा ही है। दिल खुश हो गया, दिल तो खुश होगा ना। टर्न करिए फटाफट। ओ, ये भी रोड देखो यार, जबरदस्त रोड, टर्निंग पॉइंट है। और सीन ऊपर से नीचे तक देखने के लिए काफी लुक बहुत बेहतरीन लग रहा है। गाइस अभी देखिए, खूबसूरत, सबसे खूबसूरत और जबरदस्त रोड देखो गाइस, व्हाट टर्निंग पॉइंट देखो गाइस। जबरदस्त है, देख रहे ना। वाह 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 वाह। और मेरा लेफ्ट साइड की तरफ पहाड़ है ना, और यहीं पे अगर कुछ क्लिप भी करेंगे ये रोड के साथ, बहुत अच्छा दिखेगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वाह। अरे सबके सर चक्कर दे देगा, जिसका आदत नहीं होगा ना, सियरली उसका सर चक्कर देगा, पक्का देगा उसका सिर। बाइक का टायर अच्छा होना चाहिए, मतलब ग्रिप रहना चाहिए, तब जाके आप थोड़ा सा जब टर्निंग करेंगे चक्का स्लिप नहीं होगा। अगर चक्का गया है, घिस घिस कर खराब हो गया है, चलाना मुश्किल हो जाएगा, स्लिप हो भी सकता है भाई। ये क्या दादाजी इधर केला बेच रहे थे, हमको तो ठंडा लग रहा भाई, ठंडा में तो केला नहीं खा सकते। वाओ वाओ, गाइस 15 किलोमीटर माना रखता है, 15 किलोमीटर ऐसा टर्निंग,
ओह माय गॉड, एक फोटो क्लिक करते हैं यहाँ पे। गाइस देखिए खूबसूरत व्यू पॉइंट, ये कांजीपानी घाटी का जो खूबसूरत व्यू पॉइंट और खूबसूरत रोड देख रहे हो ना, वाह अच्छा तरह से कटिंग करके वाइड कर दिया है, काफ़ी बहुत खूबसूरत है ना, मुझे तो खुश लग गया भाई। अभी चलते हैं आगे, चलते हैं अभी आगे, और भी टर्निंग पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। और एक जगह देखो, काफ़ी आज रोड पे ऐसा सीन, वाओ ओ भाई ये क्या है, इधर देखो गाइस, ओहो सनराइज भी निकल गया यार, सूर्य किरण भगवान के पास देखो, थोड़ा सा कोहरा भी है, थोड़ा सा दिखा देता है ना कोहरा के साथ साथ, उसका पहाड़ भी थोड़ा लुक अच्छा रहता है। ओ माय गॉड, वो देखो टर्निंग में भी वो ट्रक वाला भी कैसा टर्न मार रहा था भाई, ओवरकट मार दे रहा था, ओ माय गॉड, ओ क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया भाई, आगे वाला बम्पर चला गया, टैंग टैंग, ओ भाई रे क्या रोड है भाई। गाइस मैं जितना जगह मैं देखा हूँ, जितना भी घाट में घूमा हूँ, ऐसा डबल वे नहीं देखा था, ये लाइफ में फर्स्ट टाइम जो डबल वे घाट में देखने के लिए मिला। मैं जब भाईजा गया था, भाईजा में भी ऐसा डबल वे घाट नहीं है भाई, मेरा आप लोग पिछला भी वीडियो देखे होंगे, वो आई बटन में दे दूंगा, ऊपर में आई बटन बोले तो ऊपर में दे दूंगा, देखना भाईजा का भी रोड भी अच्छा था लेकिन डबल वे नहीं था, और भीड़ भाई काफ़ी बहुत जोरदार भीड़ था, ट्रक के अंदर चलाना सही है लेकिन इधर गड्ढा है, थोड़ा सा गड्ढा है, ओह माय गॉड मजा लग गया रे, ओ भाई साहब, मेरा बैटरी ख़त्म हो जाएगा अगर 15 मिनट कंटिन्यूसली रखूं तो, क्या करो बस आप लोगों के लिए दिखाने का, बस आप लोगों को दिखाने के लिए सब करना पड़ रहा है। उस तरफ एक तो रोड है भाई, ओ भाई साहब, ओ अगर थोड़ा 10-11 बजे सुबह का 10-11 बजे थोड़ा सा उसी समय ये राइड होता और उजाला थोड़ा हो जाता ना और अच्छा दिखता, फिर भी अभी टाइम है लेकिन ठंडे के लिए थोड़ा कोहरा किया है,
गाइस माँ कसम रोड गजब रोड है भाई, इस तरफ भी रोड दिखाई दे रहा है इधर से। ए भाई को लैटरिन लग गया, लैटरिन लग गया, साइड में बैठा था, क्या करे भाई, जरूरत पड़ने से करना पड़ेगा। भाई कान में हवा भर गया है, गाइस कान में हवा भर गया है। ओ भाई ओ गाइस, लेकिन रोड एक नंबर रोड है भाई, वाओ। अभी मेरा बाइक सो जाएगा, देखिए सो गया, गियर सो गया अभी।